विजयदशमी के दिन माँ प्रतिमा का किया गया विसर्जन। आपको बता दूं कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 9 दिन तक माँ दुर्गा का प्रतिमा बैठाया गया था। उसके बाद उनका पूजा चल रही थी। पूजा चलने के बाद विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा के प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये दमन गंगा नदी है जहाँ पर कि माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन कर रहा है। ये किलोनी नाका का एकता मंडल का प्रतिमा है जो कि विसर्जन किया जा रहा है। ये लगभग कई सालों से यहाँ पर माँ दुर्गा का प्रतिमा को बैठाते थे और आज हर साल इसी दिन विजयदशमी के दिन फिर माँ दुर्गा को विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से किया गया माँ दुर्गा जी का प्रतिमा को विसर्जन। हम यहाँ किलोनी नाके के ऊपर 40 सालों से माता जी का स्थापना कर रहे हैं और हम बहुत धूमधाम से 9 दिन माता जी की स्थापना करते हैं और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे गणपति बापा भी घर घर बिठाते वैसे माता जी का भी हर जगह पे हर घर पे स्थापना होना चाहिए, क्योंकि एक अपना एक त्यौहार है माँ अम्बे मात का। 9 दिन का जो त्यौहार होता है वो हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं और किलोनी नाके से यहाँ दमनगंगा रिवर तक हम माता जी को विसर्जन करने के लिए आए और हमने बहुत शांति से विसर्जन किया। पहले तो बोलना चाहता हूँ जय माता जी। और हमारा 22 फलिया ग्रुप एकता मंडल है और नाके पे हम लोग माता जी का मूर्ति बिठाते हैं और जब सबका एकता मंडल का सबका सहयोग रहता है हम लोग गणपति भी बिठाते हैं और नवरात्रि और माता जी का मूर्ति भी बिठाते हैं। और हमारा ग्रुप है, आज विसर्जन का दिन है और हम लोग नाके से हम लोग यहाँ लेके आए विसर्जन के लिए और विसर्जन में जो रास्ते में हम लोग को कोई तकलीफ ना हुआ, हम लोग को पुलिस का भी बहुत हम लोग को सहयोग मिला। हम लोग को 5 ब्रिगेड हमारे वडील है हमारे साथ में, उनका भी बहुत सहयोग है और अच्छी तरह विसर्जन भी हुआ। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और 5 ब्रिगेड का भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।